अस्सलामुअलैकुम, इकरा टीवी के साथ मैं हूँ सहर खालिद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तारीखी खिताब में तब्दीली का बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ दो गाड़ियां रखूंगा, बाकी तमाम नीलाम होंगी। कौम तैयार हो जाए, या तो मुल्क बचेगा या फिर करप्ट अफराद। ऐसे लोगों पर हाथ डालेंगे तो ये शोर करेंगे, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं। हज का रुकन अजीम वकूफ़े उर्फात आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज की नमाज फजर के बाद वादी मीना से मैदान उर्फात रवानगी। लाखों फरजंदान इस्लाम खुतबा हज सुनेंगे। पाक फिजाइया के कमसिन बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद का योम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। वज़ीरे आज़म इमरान खान की काबीना में 16 वफाकी वज़रा और 5 मुशीरों ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान से शुरू और पाकिस्तान पर ही खत्म होगी। मुल्क को आलमी तन्हाई से निकालने और दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी सरकारी रिहाइश का मिलिट्री सेक्रेटरी हाउस मुंतकिल हो गए। इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस में ना रहने का ऐलान वज़ीर आला पंजाब की एंक्सी का इंतखाब किया गया। ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रिहाइश का को तब्दील करके मिलिट्री सेक्रेटरी हाउस का इंतखाब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास जारी। इजलास में हुकूमत की तरजीहात तय की जाएंगी। वफाकी काबीना के पहले इजलास का पहला एजेंडा एहतसाब होगा। वफाकी वजीर बनते ही खालिद मकबूल सदीकी मुश्किल में फंस गए। कराची सिटी कोर्ट ने लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी केस में वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, नसरीन जलील समेत दीगर रहनुमाओं को इश्तहारी करार दे दिया, जबकि अदालत के मुलजमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीली खबरें मुख्तसर से वक्फे के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तारीखी खिताब में तब्दीली का बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ दो गाड़ियां रखूंगा, बाकी तमाम नीलाम होंगी। कौम तैयार हो जाए, या तो मुल्क बचेगा या फिर करप्ट अफराद। ऐसे लोगों पर हाथ डालेंगे तो ये शोर करेंगे, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं। खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माली हालात नहीं थे जैसे अब हैं। पाकिस्तान 28,000 अरब रुपये का मकरूज हो चुका है। उन्होंने कहा कि 10 साल कबल पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब रुपए था, जो कि 2013 में बढ़कर 15,000 अरब और अब 28,000 अरब तक पहुंच चुका है। इमरान खान ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के ज़ाती इस्तेमाल के लिए दस्तयाब 80 गाड़ियों में से सिर्फ दो अपने इस्तेमाल में रखेंगे, बाकी तमाम गाड़ियां नीलाम कर दी जाएंगी और उनसे होने वाली आमदनी कौमी खजाने में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 65 करोड़ रुपये सिर्फ बैरूनी दौरों पर खर्च किए गए। इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस 1100 कनाल पर है और वहाँ के सालाना अखराजात करोड़ों रुपए के हैं। वहाँ आला मियार की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, आबादी भी बढ़ रही है। अगर उन्हें तालीम ना दी गई तो बच्चों का क्या होगा। मदीने की रियासत का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कानून की बालादस्ती कायम की। उन्होंने कहा कि कानून के सामने तमाम इंसान बराबर हैं। उन्होंने ज़कात का निज़ाम कायम किया, उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। आज मगरिब इस पर अमल कर रहा है। स्वीडन, नॉर्वे वगैरह में ऐसा ही निज़ाम कायम है।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले FBR को ठीक करना है। इमरान खान ने कहा कि कफायत शारी के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसकी सरबराही डॉक्टर इशरत हुसैन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स का काम हुकूमत के हर शोबे में बचत की हिकमत अमली बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम टैक्स का निज़ाम ठीक कर लिया तो मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे और अपने खर्चे अपने वसाइल से ही पूरे करेंगे। हज का रुकन अजीम वकूफ़े उर्फात आज अदा किया जाएगा। आजमीन हज के नमाज फजर के बाद वादी मीना से मैदान उर्फात रवानगी, लाखों फर्जंदान इस्लाम खुतबा हज सुनेंगे। आजमीन हज ने सारी रात इबादत जिक्र अस्कार में गुजारी, नमाज फजर पढ़कर मैदान अरफात का रुख करेंगे। मस्जिद नुमरा में इस साल मस्जिद नबी के इमाम खुतबा हज देंगे। हजाज कराम जोहर और असर की नमाजें इकट्ठी पढ़ेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुजलफा पहुंचेंगे। नमाज मगरब और इशा इकट्ठी अदा की जाएगी। हिजाज कराम रात भर मैदान अरफात में इबादत और रियाजत इस्तगफार का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला के हजूर गड़गड़ा कर गुनाहों की माफ़ी भी तलब करेंगे। हिजाज कराम मंगल की सुबह सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी करेंगे। हज के रुकन आजम वकूफ़ अरफात की अदायगी के लिए लाखों आजमीन हज खुतबा हज सुनेंगे, जिसे पहली बार उर्दू जुबान में भी पेश करने का खास एहतमाम किया गया। वजीर आजम इमरान खान की काबीना में 16 वफाकी वुजरा और 5 मशीरों ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर ममनून हुसैन ने 16 वुजरा और 5 मशीरों से हल्फ लिया। वफाकी काबीना में शामिल परवेज खट्टक को वजारत दिफा, असद उमर को वजारत खजाना, शाह महमूद कुरैशी को वजारत खारजा, शीरी मजारी को इंसानी हकूक और गुलाम सरवर खान को वजारत पेट्रोलियम, फवाद चौधरी को वजारत इतलात और नशरियात, शफकत महमूद को वजारत तालीम, आमिर कियानी को वजारत सेहत और अनवारुल हक कादरी को मजहबी अमूर का कलमदान दिया गया। इत्यादी जमातों के 6 वजरा में शेख रशीद को रेलवे, खालिद मकबूल सदीकी को वजारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, फरूक नसीम को वजारत कानून और इंसाफ और फहमीदा मिर्जा को बैनुल सूबाई राबते की वजारत दी गई है। तारिक बशीर चीमा वजीर सैफरोन और जुबैदा जलाल को दफाई पैदावार का कलमदान सौंपा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में 5 मुशीर भी शामिल हैं, जिनमें बाबर अवान, पार्लियामानी अमूर मलिक अमीन, असलम माहौलियाती तब्दीली और डॉक्टर इशरत हुसैन अदारा जाती इस्लाहात, अब्दुल रजाक दाऊद सनत और तजारत, जबकि मोहम्मद शहजाद अरबाब को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का मुशीर लगाया गया। 9 मंतखब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान से शुरू और पाकिस्तान पर ही खत्म होगी। मुल्क को आलमी तन्हाई से निकालने और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़म है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खारजा पॉलिसी पाकिस्तान से शुरू और पाकिस्तान पर ही खत्म होगी। मुल्क को आलमी तन्हाई से निकालने और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हो और इसके लिए पहले हमें अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे की ज़रूरत है। अपनी सोच और इरादा अफगान क़यादत को पहुँचाऊँगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत हमसाए और एटमी क़ुव्वत है। भारत से तसलसल के साथ डायलॉग की ज़रूरत है। तहम पाकिस्तान का मफाद सबसे अहम है। हमें हकायक तस्लीम करना होंगे। कश्मीर एक मसला है जिससे दोनों ममालिक ने तस्लीम किया है। पाक फिजाइया के कामसन बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद का यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा होने वाले राशिद मिनहाज ने अपना बचपन शहर कायद में गुजारा। फैमिली के हमराह रावलपिंडी मुंतकिल हो गए, जबकि कुछ अरसे बाद दोबारा कराची में सकूनत अख्तियार की। राशिद मिनहाज ने BSCPAF रसालपुर अकेडमी से किया और बाद हजार पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। 20 अगस्त 1971 को माड़ीपुर के एयरबेस से जंगी हवाबाजी की तरबियत के दौरान अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट, जिस पर इस वक्त राशिद मिनहाज का डबल कॉकपिट जहाज रनवे पर टैक्सी कर रहा था, इसी दौरान उनके इंस्ट्रक्टर और फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर मुतीउर रहमान तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर जहाज के कॉकपिट में दाखिल हो गया और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। ताहम राशिद मिनहाज ने अपने इंस्ट्रक्टर के मजमूम इरादों को पूरा नहीं होने दिया और सख्त मुजामत जारी रखी। त्यारा पाकिस्तानी हदूद में ही ठट्टा के करीब गिरा और उन्होंने जाम शहादत नोश कर ली और दुश्मन का मजमूम इरादा नाकाम बना दिया। उनके रफका के मुताबिक राशिद मिनहाज बचपन से ही वतन की मोहब्बत में सरचार थे। राशिद मिनहाज को जहाज उड़ाने का जुनून की हद तक शौक था और इसी शोबे को पेशावर जिंदगी का हिस्सा बनाकर उन्होंने अर्ज़े पाक पर अपनी जान निशावर कर दी। फिल वक्त न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट iqra tv.pk।